क्वेश्चन नंबर 84 बेटा, एफ का फर्स्ट फोल्डर है ए एक्स एक्स माइनस वन प्लस बी, वैलिड है लेस देन वन। सेकेंड फोल्डर है एक्स माइनस वन, इसका डोमेन है वन टू थ्री। और थर्ड फोल्डर है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस टू, और डोमेन है ग्रेटर देन थ्री। बेटा एफ के तीन फोल्डर हमारे पास हैं और वो आपसे पूछ रहा है ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू की वैल्यू। और तीन कंडीशन दी गई हैं। फर्स्ट कंडीशन है एफ कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल एक्स, एफ कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल एक्स। सेकेंड कंडीशन है एफ डैश वन डज नॉट एग्जिस्ट। देन थर्ड कंडीशन है एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू थ्री। बेटा ये तीन कंडीशन गिवन है। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी। बेटा एफ के तीन फोल्डर है, मेरे पास तीन फोल्डर है एफ के। ओके, और ये उसकी डोमेन है। फंक्शन एक है, फोल्डर तीन है, डिफरेंट एक्स के लिए वैलिड है। और तीन कंडीशन दी गई है कि एफ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स और एफ डैस वन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है बेटा, सुनिए, एफ डैस वन डज नॉट एग्जिस्ट मतलब वन पर यह फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है। बेटा एफ डैस वन का मतलब होता है फंक्शन का डेरिवेटिव एट वन, और उसने बोला कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट वन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है एट वन, और एफ डैस एक्स कॉन्टिन्यूस है एट थ्री। तो एक काम करते हैं, एक एक कंडीशन को फॉलो करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, फर्स्ट कंडीशन है कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल एक्स। अच्छा, सभी एक्स के लिए कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है कि वन पर भी कॉन्टिन्यूस होगा और थ्री पर भी कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, वन लेफ्ट ये देगा, वन लेफ्ट निकालो, वन लेफ्ट क्या होगा बेटा, वन लेफ्ट बी। ओके, वन राइट क्या होगा बेटा, वन राइट ये देगा जीरो, और वन पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ वन क्या है बेटा जीरो, और ये कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है कि ये तीनों इक्वल है। तो बेटा बी की वैल्यू आ गई जीरो। बेटा बी मेरे पास आ गया, बी जीरो है, ये मैंने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, एफ कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब है कि एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन प्लस और एफ ऑफ वन, ये तीनों इक्वल है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। ओके, अब चलो थ्री पर चेक करते, थ्री के लिए भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो एफ थ्री माइनस, बेटा थ्री माइनस कौन देगा, ये ऊपर वाला, तो थ्री रखो इसमें तो टू आ गया। और एफ थ्री प्लस क्या है बेटा, थ्री प्लस के लिए कौन है, ये वाला। थ्री प्लस की वैल्यू क्या होगी, नाइन पी प्लस थ्री क्यू प्लस टू। अच्छा, और एफ ऑफ थ्री क्या होगा बेटा, एफ ऑफ थ्री भी यही होगा, एफ ऑफ थ्री भी टू होगा, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है कि दिस इक्वल टू दिस। तो बेटा नाइन पी प्लस थ्री क्यू बराबर क्या हो जाएगा, टू, ये टू नहीं जीरो, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो एक इक्वेशन ये तैयार हो गई बेटा, फर्स्ट इक्वेशन बी मेरे पास आ गया और एक प्योर क्यू में एक रिलेशन आ गया। अब आ जाइए सेकंड कंडीशन। बेटा फर्स्ट कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी क्वेश्चन में, फर्स्ट कंडीशन देखी सभी के लिए कॉन्टिन्यूस है, तो मैंने क्या किया, वन पर भी कॉन्टिन्यूस है और थ्री पर भी कॉन्टिन्यूस है, और दोनों पर कॉन्टिन्यूटी का फंडा लगा दिया। अब एफ डैश वन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल एट वन। अच्छा, फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल एट वन, इसका मतलब है कि एलएसडी नॉट इक्वल आरएसडी। बेटा फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, अब आप देखिए वन लेफ्ट और वन राइट हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, वन पर ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। इसके ऊपर वाली कंडीशन में क्या लिखा था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल एक्स, तो वन पर भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी भी बताया कि यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और एल्जेब्रिक है तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना। तो बेटा एलएसडी कौन देगा, ये एलएसडी देगा और ये आरएसडी देगा। तो बताइए आरएसडी की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एक्स का डेरिवेटिव वन, बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव आगे वन, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां से निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो,
बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ओके, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी का डेरिवेटिव 0, और एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा 1, तो ए की वैल्यू आ गई क्या 1। बेटा ए 1 नहीं हो सकता क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल था, ऐसा उसने बोला है, मतलब ए सब कुछ हो सकता है बट 1 नहीं हो सकता। ए की वैल्यू क्या देंगे आप, ए बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 1, ओके बेटा ये 1 कैसे, ए कैसे हुआ, क्लियर है, मैंने एक्स के प्लेस पर रख दिया 1, पहले तो मैंने आप इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी, तो ए एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी का डेरिवेटिव 0, बेटा ये क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बट हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एट 1, तो 1 रख देंगे एक्स के प्लेस पर, तो 2 माइनस 1 1 1 इंटू ए नॉट इक्वल 1 क्योंकि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ऐसा उसने बोला है, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट 1, ओके, तो ए नॉट इक्वल 1, बेटा ए नॉट इक्वल 1, बी 0, अब बचा है पी और क्यू की वैल्यू, तो थर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं, थर्ड कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस है, अच्छा एफ डैश कॉन्टिन्यूस है ना कि एफ की बात कर रहा हूं, एफ डैश कॉन्टिन्यूस है, तो काम करते हैं पहले तो एफ को डिफरेंशिएट करते हैं, एफ का फर्स्ट फोल्डर बेटा अब मैं निकाल रहा हूं एफ डैश एक्स, एफ डैश क्या होगा फर्स्ट फोल्डर, इसका डेरिवेटिव ये लिखा है ये ए डॉट 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव किसके लिए वैलिड है, लेस देन 1 के लिए, ठीक है, अब आप बताइए राइट, अच्छा हमको 3 पर चेक करना है तो चलो ठीक है, अभी हम सभी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, x का डेरिवेटिव 1 और डोमेन क्या है 1 2 3, डोमेन है 1 2 3, ओके, अब थर्ड फोल्डर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 2px प्लस क्यू, ओके, और इसके डोमेन क्या है ग्रेटर देन 3, बेटा ये मैंने एफ डैश निकाल दिया फंक्शन का डेरिवेटिव, अब उसने बोला कि ये डेरिवेटिव जो है ये 3 पर कॉन्टिन्यूस है, 3 पर कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब क्या है कि 3 लेफ्ट 3 राइट इक्वल है, चलो 3 लेफ्ट क्या है बेटा 3 लेफ्ट 1 है, 3 लेफ्ट 1 है और 3 राइट यहां रखो 3, 3 टू 6 पी प्लस क्यू, ओके ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, इसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे तो पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी आप, बेटा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यहां से पी और क्यू की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो ये आप इस तरीके से आप ए बी पी क्यू निकाल सकते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा ये क्लियर है कि एलएचएल ये देगा और आरएचएल ये देगा, ठीक है, इक्वल कहां लगा है यहां पर, अच्छा एफ ऑफ 3 भी 1 देगा और 3 लेफ्ट भी 1 है और 3 राइट ये देगा, बेटा डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है, ओके, इसका मतलब है कि पहले तो हमने एफ को डिफरेंशिएट किया और फिर वो उसमें कॉन्टिन्यूटी का फंड लगाया, अब आप सॉल्व कर लें, पी और क्यू की वैल्यू निकाल लें इसमें से, पी 1/3 और क्यू माइनस 1, बेटा पी आ गया क्यू आ गया बी है ए है फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी बेटा कि 3 कंडीशन दी गई थी और उनको हमको फॉलो करना था बस, और मुझे कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है।